अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर असली व्लॉग। तो आज हमारा जो व्लॉग है जी, मेरी टिकटॉक आईडी बैन हो गई है और वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बैन हुई और किसने की और क्यों की। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा। देखा जाए तो वातु इजु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, तो उन्होंने मिलकर रिपोर्ट्स की। कम अज़ कम मैं अगले वीडियो लगाऊंगा। और रिपोर्ट्स कम अज़ कम 100-200 वीडियो को रिपोर्ट की गई, जिसके बदले में मेरा टिकटॉक अकाउंट बैन हो गया। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अनबैन की कोशिश शुरू है, अपील की जा रही है, तो हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान को हमेशा अपने दोस्तों से मोहतात रहना चाहिए। तो मैं अभी नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके दिखाता हूँ आपको। मुझे इतना दुख हुआ मेरे अकाउंट बैन होने का कि आप क्या पूछ सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंसान किसी की कामयाबी देख के जले ना उसे, बल्कि खुद उसी तरह बनने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को इज्जत देता है, अल्लाह ताला जिल्लत देता है, ना कि लोग देते हैं। लोग तो सिर्फ दो एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए ठहरे हैं। इधर जिस तरह बैन किया गया, जिस तरह रिपोर्ट्स मारी गई मुझे, तो मैं वीडियो लगाता हूँ आगे, वीडियो को देखिएगा। और मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि कोई भी आईडी उड़ जाती है, कोई मसला नहीं है, कोई परवाह नहीं है। सिर्फ मेरे दोस्तों ने मुझे रिपोर्ट्स की, दोस्तों ने। कोई और होता तो मैं देख लेता, ठीक है ना। कोई और होता अकाउंट उड़ जाता, कोई मसला नहीं, मेरे भी कोई टेंशन भी ना होती। और दोस्तों ने मिलकर रिपोर्ट्स की, अकाउंट को रिपोर्ट्स करते रहे और बार बार मुझे वीडियोस भी भेजते रहे कि हम तेरा अकाउंट उड़ा रहे हैं, जैसे उनके लिए कोई मजाक हो। इंसान की 2-3 साल की मेहनत होती है, ये मेरा नहीं किसी का भी अकाउंट हो। तो ये देखिए, अपील सबमिट हो गया, तो इंशाल्लाह अकाउंट भी रिकवर हो जाएगा आपकी दुआओं से। लिहाजा दोस्तों का तो पता चल गया कि दोस्त किस तरह होते हैं। इंसान हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखे, क्योंकि जब भी आपको धोखा देते हैं, आपके दोस्त देते हैं। मैंने भी उस अपने दोस्त को दोबारा कॉल की कि यार अकाउंट की रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं रिकवर कर ले, उनको ख़त्म कर दे। कहता है कि मैं तुमसे पैसे लूँगा, पैसे दोगे तो मैं अकाउंट तेरा रिपोर्ट्स ख़त्म करूंगा, वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो भाई देख लीजिए कि दोस्ती कितना बड़ा लफ्ज़ है, दोस्ती तो लोग उसे एक सेकंड के अंदर ख़त्म करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए, पैसे के लिए। तो इसी तरह लोगों से दोस्ती करने से पहले उनको जानिए। हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती, अक्सर शीशे भी होते हैं, कांच भी होते हैं, ठीक है ना जी। दूर से एक चीज़ आप देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, शीशा होता है, क्या है पता नहीं, आपको लगता है कि हीरा है, नहीं वो हीरा नहीं होता, क्योंकि वो कांच होता है। और कांच जो होता है ना, वो अपनी औकात हमेशा जानने से पता चलता है। जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसकी कीमत क्या है। तो इसी तरह मुझे भी हर उस पल, इसी तरह मुझे भी हमेशा दोस्तों ने ही धोखे दिए हैं। तो लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, इग्नोर किया सबको। तो आज भी दोस्त ने धोखा दे दिया, देखिए कि मेरी आईडी भी उन्होंने उड़ा दी। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें दिल से। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करना ना भूलिए असली व्लॉग। وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضار